Yes. Chalo, shall we start, guys? Okay. Hi, guys. Good afternoon. वापस एक बार ट्राई करते हैं फुल एनर्जी के साथ. सुबह से पढ़ रहे होंगे, थक गए होंगे. कोई नहीं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ सुबह से. मेरा भी सुबह 7 बजे से बैक टू बैक लेक्चर चालू है. सो फुल एनर्जी चाहिए. वापस एक बार ट्राई करेंगे. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. ये हुई ना बात. दोस्तों, कैसे जा रहा है आपका पहला दिन? हाँ, पूछो मत सर, डोंट आस्क. हम जी रहे हैं, हमें जीने दो जैसे हमारे हाल पे. बहुत सही. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर यर. वेलकम टू सीए ऑफिशियली. मतलब देखो, जैसे फाउंडेशन में क्या होता है ना कि क्लासेस एक एक घंटे की होती है. मैथ्स अकाउंट्स का लेक्चर 1.5-2 घंटे का होता है. जिंदगी काफी आरामदायक थी. बट नाउ एवरी लेक्चर मिनिमम 2-2.5 आवर्स. बराबर. कुछ लेक्चर 2.5-2.5 घंटे के. बराबर. सुबह 8 से लेकर 7:30 तक. कोई बात नहीं, आपकी पीठ दुखेगी, बम दुखेगा, सब कुछ होगा. बराबर. दिमाग भी थोड़ी देर बाद हैंग होगा, आंखें भी दुखेगी. बराबर है. बट कोई बात नहीं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इन कपल ऑफ डेज, इन अ वीक्स, आप लोग इसको यूज टू हो जाओगे एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, ये हमारी अब यही जिंदगी है. दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ विच यू हैव टू लिव विथ इट. ठीक है. बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लो कि आज आपका day 1 है एंड day 1 में आज आपकी अभी फुल फ्लेज्ड क्लास आपकी शुरू हो रही है. बराबर है. फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 टिल नाउ एंड इट्स जस्ट द हाफ डे. हाफ ऑफ द डे इज येट टू गेट ओवर. वो टॉर्चर अभी बाकी है. ठीक है, इतना समझ लेना भाई कि ये आपके जितने भी एफर्ट्स आज आप डाल रहे हो, आज आपको महसूस तो हुआ ना. हे गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप भी बोलो कुछ. क्या आप लोगों को महसूस हुआ कुछ कि आप लोग बहुत सही में एफर्ट डाल रहे हो आप लोग, है ना? और अभी आधा दिन बाकी है मैंने कहा, तो डे एंड पे तो मैं मिलना चाहूंगा आप लोगों को कि आपकी हालत कैसे से रेंगते निकलोगे बाहर. भाई निकाल लो यहां से यार. ठीक है, बट ट्रस्ट मी, ये सारे जो एफर्ट्स आज आप जो डाल रहे हो और आने वाले 5.5 महीने आप डालने वाले हो, राइट, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. बस उस एफर्ट की वैल्यू करना यार, उसका रियलाइजेशन रखना. जितना सिंसियरिटी आज आप day 1 पे दिखा रहे हो. 8:30 की क्लास थी, 8 बजे आके बैठ गए थे, 7:30 बजे आके बैठ गए थे. तो आप समझने की कोशिश करना, जो सिंसियरिटी, जो लेवल ऑफ डेडिकेशन, बराबर, जो आप लोगों ने आज दिखाया है, यकीन मारो दोस्तों मेरा कि इसको थ्रू आउट द पीरियड 5.5 महीने, राइट, इसको आप इसी शिद्दत से पढ़ाई करना. दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है कि आप पास ना हो करके. डेफिनेटली यू विल क्लियर. कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन, एकदम प्रॉपर वे में आप करोगे ना भाई, 4 चांद लग जाएंगे. क्योंकि बाद में बहुत खराब लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने एफर्ट डालने के बाद, मतलब कैसे खाना खाया है, कैसे ब्रेकफास्ट किया है, पता नहीं आगे का आधा टाइम और कैसे जाएगा. वो घर वाले उधर लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे, वो उनके आके कंटिन्यू स्क्रीन टाइम बढ़ गया सर. सबका दर्द अलग है, ठीक है ना. हम यही चाहते हैं कि ये जो पेन है ना एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, राइट, वो रिजल्ट जो है वो काफी ब्यूटीफुल मिले अपने को. हाँ या ना बच्चों? यस सर. तो क्या आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हो पहले, बिफोर वी प्रोसीड, कि हाँ हम सर, हम मेहनत करेंगे करके? Yes. अरे बोलो भाई. Yes. क्या आप लोग मेहनत करेंगे? Yes. क्या आप लोग आपका 100% देंगे? Yes, sir. क्या आप लोग रेगुलरली क्लास को आएंगे? Yes, sir. अगर आप कभी भी लेक्चर्स को मिस करते हो तो क्या आप लोग उसको बैकअप में जरूर उसी दिन खत्म करेंगे? Yes, sir. बिल्कुल भी अपने आप के साथ चीटिंग नहीं करेंगे? Yes, sir. क्योंकि आप सबके साथ चीट कर सकते हो, मम्मी पापा, भाई बहन, वो जो हंसे उनको समझ में आ गया, और साथ ही साथ आपके टीचर्स, आप सबके साथ चीटिंग कर सकते हो बट आप अपने आप को चीट नहीं करोगे. सही है ना? क्योंकि
जब भी अपन फेल हुए, अगर कुछ बच्चे होंगे जिनका फाउंडेशन में सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में पास हुए है, जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर नहीं करा है तो सोचा चलो डायरेक्ट एंट्री से करते हैं, तो उनके मन में एक बात तो जरूर आई है कि काश अगर मैं वो पढ़ लेता, काश अगर उस टाइम पे शॉर्टकट नहीं मारता तो शायद मैं पास हो जाता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? तो आप समझिए, पास होने का एक ही सीक्रेट वो ये है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वो फल मीठा ही होगा, जस्ट ट्रस्ट द एंटायर प्रोसेस। क्लियर एकदम? यस सर। विद दिस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सीए इंटरमीडिएट। दोस्तों, मैं हूं सीए हर्षित जाजू, आपका फैकल्टी फॉर कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग। ग्रुप टू में दो सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा। ग्रुप टू में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग एंड दूसरा है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। दोनों ये सब्जेक्ट जो है 100-100 नंबर के है, और ग्रुप टू के उन 200 नंबर की जिम्मेदारी जो है वो आपके हर्षित जाजू सर की है। उसके बाद ग्रुप टू में और एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है FM एंड SM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी जिम्मेदारी है स्वप्निल सर की। तो ऐसे करके ग्रुप टू के 300 नंबर मैं और स्वप्निल सर विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं पेपर नंबर 4 जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं, ग्रुप टू का पहला पेपर जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पेपर जो है दोस्तों, ये पेपर जो है अपना कितने मार्क्स का है? 100 नंबर का है। ये 100 मार्क्स का पेपर है आपके लिए, इज्जत फुल देना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है डीटी के जैसा 50 और जीएसटी के जैसा 50, एफएम के जैसा 50 और एसएम के जैसा 50। ये एक सब्जेक्ट अपने आप में कितने नंबर का है? 100 नंबर का। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग पेपर पैटर्न की अगर दोस्तों बात करें तो पेपर पैटर्न कैसा है इसका, जान के आपको बहुत खुशी होगी कि इसके अंदर 30 मार्क्स जो मालिक एमसीक्यू पेस्ट है। 30 मार्क्स इज व्हाट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड 70 मार्क्स जो है फिर आपको उसको प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कुछ डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे करके आपका 70 मार्क्स का यह सब्जेक्ट बनता है, 70 प्लस 30। खुशखबरी यह है दोस्तों इसमें कि जो 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे भी गोले मार के आ जाए, हम लोग को ये मार्क्स सिक्योर करने हैं 30 मार्क्स। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में, क्योंकि 6 सब्जेक्ट 30 नंबर के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में 180 मार्क। अगर आप बड़ा सोचोगे ना, अगर आप बड़ा सोचोगे तो कितने नंबर हो गए उसके? 180 मार्क्स गाइस, 180 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? 300 ना, दोनों ग्रुप रे। सो 180 अगर आप एमसीक्यू में स्ट्रांग कर लो तो बचे कितने? सिर्फ 120 तो 6 पेपर में आराम से लेके आ सकते हैं, एग्रीगेट भी पूरा कर सकते हैं और 50% भी लेके आ सकते हैं। सोच बदलो, देश बदलेगा। आप लोग है ना, आज डे वन जो है ना, ऐसे स्ट्रेस के माहौल में नहीं चाहिए, हर्षित सर की क्लास में तो होना ही नहीं। रिलैक्स रहना है एकदम, जितना रिलैक्स रहोगे उतनी बेस्ट पढ़ाई होगी। डर लग रहा है, गला सूख रहा है, कोई नहीं, माउंटेन ड्यू पी के मत आना, बस बता रहा हूं कि भाई कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इवेंचुअली विल फॉल इन प्लेस, बराबर, बस थोड़ा रिलैक्स रहना। सो 30 मार्क के एमसीक्यू 70 मार्क्स जो है ना, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा। तो ऐसे सर, अगर ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है तो जरा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं। इस सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया है 3 मॉड्यूल्स में, आईसीए के हिसाब से 2 मॉड्यूल्स ही है। हमने इसको ब्रेकअप किया है इसका कितना, 3 हिस्सों में। पहला मॉड्यूल जो है आपको 50 मार्क आपके कवर कराएगा, कितने? 50 मार्क्स। मतलब भाई अगर फर्स्ट मॉड्यूल पक्का हो गया ना, 50 नंबर तो एकदम बल्ले बल्ले, एकदम आसानी से 50 नंबर आपके घर में पक्के, एकदम पक्के, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं सर 50 में काम नहीं होना हमारा, हमको तो स्कोरिंग करना है, फिर हम लोग जाएंगे अगले मॉड्यूल 2 के पास, इसमें आपको मिलेंगे अगले 25 नंबर, तो हो गए 75। और बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा 70 अगर इसमें नहीं खेलना हमको, तो हमको तो 100 के तरफ जाने का है, विच इज पॉसिबल। ऑल इंडिया रैंक 2 नूर सिंगला स्कोर 98 मार्क्स, उसके पहले कार्तिक जैन स्कोर 99 मार्क्स। ये मेरी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, उन बच्चों का हुनर है वो, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि आपके लिए बेंचमार्क है, अपने स्टैंडर्ड्स को अपन हाई सेट करेंगे।
अपन डे वन से एम करेंगे कि यस अगर वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सही है ना। तो अपना बजट अगर ये है कि नहीं सर मेरे को 90s में खेलना है, 75 पे नहीं, तो तीसरा मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, वो अगले 25 नंबर का है। आप समझे बात को? तो ऐसा करके हमने 50 25 25 ये अपन ने मॉड्यूल का ब्रेकअप कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल आपने थरा कर लिया, गारंटी है 50 नंबर पक्के, गारंटी 50 नंबर पक्के। स्कोरिंग करने का है, सेकेंड मॉड्यूल भी पढ़ने का, 75 मार्क्स पक्के। और 25 नंबर चाहिए और मॉड्यूल 3 पर, मतलब एकदम सिंपल है। कोई बच्चा पूछेगा ना सर इंपॉर्टेंट किसका, क्या इंपॉर्टेंट है सर, मैं सिलेक्टिव स्टडी करना चाहता हूं, मेरे साथ क्या होगा जिंदगी में, भाई एकदम सिंपल ब्रेकअप करके दिया है। फर्स्ट मॉड्यूल 50 नंबर, और चाहिए मार्क्स, चाहिए और मार्क मॉड्यूल 2 ले, और चाहिए मार्क्स मॉड्यूल 3 ले, एकदम सिंपल, क्लियर है एकदम, यस सर। अभी क्या है इन चैप्टर्स में, पहले देखो कैसे किसको इज्जत देना वो समझो, पहले दोस्ती कर लो आज सिलेबस से, समुंदर की कितनी गहराई है उसको नाप लो, फिर डिसाइड कर लेना कूदना है या नहीं, बराबर है ना। अभी भी टाइम है जिंदगी में, ठीक है क्या? नहीं है, फाउंडेशन में ही था वो, और मैंने फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में डे वन में बोला था आज डिसाइड कर लो सीए करना है या नहीं करना। 50 मार्क्स का मॉड्यूल 1, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, थोड़ा आइस ब्रेकर वाला, थोड़ा रूबरू हो जाते हैं सब्जेक्ट से। सो आज का और कल का दिन जो होगा अपना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ शुरुआत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, थोड़ा बेसिक ऑफ कॉस्टिंग ये क्या है ये हम लोग समझेंगे एकदम आराम से, ठीक है जी। उसके बाद जो आते हैं मेन टॉपिक्स, एकदम मेन, जो है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। मेरे को आज ही एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला, मैंने बोला कि मैं आज बहुत भारी मैसेज किया है उसने टुडे इटसेल्फ, एंड आई एम लाइक कि आई शुड शो इट टू यू गाइस। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये फीडबैक है उसका, ध्यान से पढ़ना। हाय सर, आई एम योर जीडी स्टूडेंट, स्टार्टिंग में कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट जाता था सर, मतलब बहुत डिफिकल्ट, पर सर आफ्टर ओवरहेड इट बिकम्स वेरी इजी। भाई ने आज ही मैसेज करना था, मैं बोला आज ही बच्चों को दिखा देता हूं, आपकी वजह से बस दिमाग ही तेज चलने लगा है, फर्स्ट डे ऑफ क्लास एंड लास्ट डे ह्यूज डिफरेंस है सर, जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है, तो अब टेढ़े मेढ़े सवाल भी इतने डिफिकल्ट नहीं लगते हैं थैंक्स टू योर एफर्ट्स। बाकी का नीचे का कोई अपने लिए अब भी मैटर नहीं करता, वो आप खुद विटनेस करेंगे। इस मैसेज से आपको क्या समझना है कि ओवरहेड चैप्टर खत्म होने तक डटे रहना है, ये बेस है, फाउंडेशन है पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का। स्टार्टिंग में आपको कैसा कैसा तो भी होगा, बहुत कुछ होगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा सिस्टम मिल जाएगा, बट हिलने नहीं देना, डटे रहना एंड तक। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अगर इसके ऊपर आपने कमांड हासिल कर ली, कॉस्टिंग में खुद की कसम खा के बोल रहा हूं मैं, तुम्हारी भी नहीं खा रहा, कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई का, बहुत आगे जाओगे आप लोग। कॉस्टिंग में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 चैप्टर्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, दे फॉर्म द वेरी बेसिस फॉर ऑल द चैप्टर्स विच आर गोइंग टू कम योर वे, ठीक है ना। समझो मेरी बात को, ये 3 चैप्टर्स जैसे ही आपके हो जाते हैं, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड चैप्टर का एक रिफाइंड वर्जन है, ये क्या है, ओवरहेड चैप्टर का एक रिफाइंड वर्जन है, रिश्ता वही, सोच नहीं, मतलब ओवरहेड चैप्टर वैसा ही है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, बट उसका क्या है, थोड़ा एक अलग तरीका है उसका। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक बार हो गया तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो बहुत चिल्लर है। उसके बाद ये सब जो खर्चे मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के, उसको एक स्टेटमेंट में डालना पड़ता है, तो वो आगे सीखना है, फिर उसका अकाउंटिंग करना है,
बहुत इजी है, और ऐसे करके अपने 50 नंबर सिक्योर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो पहले 3 चैप्टर्स में आपको डटे रहना है, समझा गया? तो आज अब आपकी सर की कसम खाएंगे, जैसे मैंने मेरी खुद की कसम खाई ना, अब आपकी कसम खाएंगे। अभी सर की मतलब आपके सर की मतलब, अरे भाई एड़ा हो गया क्या? आप आपकी कसम खाएंगे, रखो आपके सर के ऊपर हाथ, रखो रखो, मैंने मेरी कसम खाई कि नहीं खाई? ए इनका वीडियो ले, इनका एविडेंस चाहिए मेरे को। और जो कसम नहीं खाएगा वो 3 अटेम्प्ट बैक टू बैक फेल होएगा। देगा देगा, मैं पावर बहुत है मेरे में। लाइव स्ट्रीम वाले आप भी, लाइव स्ट्रीम वाले आप भी, हाँ दोनों अच्छा कसम खा ले, तेरी उसकी भी कसम खा ले, सबका वीडियो सबका कवरेज क्षेत्र में आना चाहिए। ये बोलिए मैं, आपका नाम भी बोलिए, आप बोलिए, अपने आप जोर से बोलिए, बोलो मैं, नाम बोला आपका, सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग, पूरी श्रद्धा निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ूंगा, मैं रोजाना क्लास आऊंगा, कभी नहीं आया तो बैकअप में लेक्चर पूरे करूंगा, बट एंड तक कम से कम ओवरहेड्स तक डटा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, अगर मैंने ये कसम तोड़ी तो ऊपर वाला मालिक है, मतलब पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट होएगा, वो जो ऊपर वाला डिसाइड, अरे कसम छोड़, खत्म नहीं होता, ठीक है? तो क्या आप ये शपथ खाते हो? बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है, अब ये सब अनब्रेकेबल बॉन्ड हो गया है, अब ये तो अभी रिस्क नहीं ले सकते, आप तो कसम खा लिए भैया, आप कुछ नहीं होना, और मेरे पास तो है ना एविडेंस भी है अभी, ठीक है ना? जय श्री राम। चलो तो आप समझिए बात को दोस्तों, कि ये 3 चैप्टर्स आपको जम के पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, राइट? अब उसके बाद जो है ना सिलेबस कैसे फ्लो होता है थोड़ा आप समझिए। बेसिकली आप समझिए सर, ये इतना आप कसम वगैरह, सर बहुत काफी इमोशनल हो गए आप सर, पहली ही मीटिंग में प्यार वादे कसमें मोहब्बत की बातें हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं आप समझो बात को, क्या होता है ना, द बेसिक थिंग व्हाट हैपेंस इज कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है, आज से पहले कभी इसका आपने स्टडी किया हुआ नहीं है। और होता क्या है, बच्चा इस सब्जेक्ट को कंपेयर करता है अकाउंट्स के साथ, इसलिए मैंने इस बार आनंद सर को बोला, भाई पहले मेरे को कॉस्टिंग का लेक्चर लेने दो, फिर आप अकाउंट्स ले लेना। बच्चा कॉस्टिंग के साथ अकाउंट्स को मिक्स करने दो, बट अकाउंट्स के साथ कॉस्टिंग मिक्स करने मत दो, मेरे को हेडेक होता फिर। तो आनंद सर बोले ठीक है चलो इट्स ओके, तो इसलिए नहीं तो यूजुअली अकाउंट्स वाज इन दिस स्लॉट एंड कॉस्टिंग वाज लेटर। आई वाज लाइक कि ना, लेट मी फर्स्ट टॉर्चर विद द कॉस्टिंग, देन यू कम विद अकाउंट्स। तो आई वाज लाइक कि ओके। क्या होता है ना, कॉस्टिंग और अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है कि अकाउंट्स जो है ना, आप समझो ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, कंपनी के शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। जो आनंद सर आपको पढ़ेंगे ना अकाउंट्स, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के लिए तो है ही है, बट उसके साथ साथ एक्सटर्नल लोगों के लिए भी है ना मालिक, समझा क्या बात को? अब उसके वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल लोगों के लिए अगर ये मुझे स्टेटमेंट देने हैं तो आप समझने की कोशिश करो क्या होगा, उसका एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए ना। अकाउंट्स बनाने का क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए। तो भाई अगर तू पढ़े या तू पढ़े, पुणे का पढ़े या मुंबई का पढ़े या दिल्ली का पढ़े, इंडिया का पढ़े या यूएस का पढ़े या यूके का पढ़े, सबको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए, इसके लिए उसका सेट फॉर्मेट है, समझा गया बात को? बट कॉस्टिंग की अगर बात करें, ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए दू क्या, मैं बताऊं बाहर लोगों को, थर्ड पार्टीज को, कि देखो मेरे को इतना इतना खर्चा लग रहा है, मैं यहां यहां से मटेरियल परचेस कर रहा हूं, अरे ये मेरे ट्रेड सीक्रेट्स है भाई, ये मेरे को अपने लिए रखना है, ये मैं किसी और को थोड़ी बताऊंगा, हेलो, ये किसी और को बताऊंगा क्या मैं? जाहिर सी बात है नहीं बताऊंगा।
तो कॉस्टिंग का जो पर्पस है, आप समझिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इट इज फॉर द मैनेजमेंट। उसको समझना चाहिए कि तेरे को कितना खर्चा लग रहा है और उसके हिसाब से तू तेरे डिसीजंस लेना भाई। मैं बाहर किसी को नहीं बताना इसको, मुझे बाहर लोगों को पता चल जाएगा। अगर तेरे को समझ में आ गया कि हर्षद सर को कॉस्टिंग पढ़ाने का जो खर्चा है वो मात्र 1000 रुपए है पूरे बैच का, पूरे बैच का 1000 रुपए सिर्फ खर्चा है, बोलो, या 1 लाख रुपए बोलो। आप बोलो कि इतनी फीस ले रहा भाई तू, शर्म आनी चाहिए तेरे को, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ट्रू कॉस्ट कितना लग रहा है क्या ये मैंने आपको बताना चाहिए क्या? नहीं, बट मेरे को पता होना चाहिए क्या? हाँ। तो इसके लिए मेरे को, अगर मेरे लिए कुछ इंफॉर्मेशन बनानी है तो मैं मेरे मर्जी में ऐसा प्रेजेंटेशन करेगा ना यार, समझा क्या? तो इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है जैसा अकाउंट्स का है। तो बच्चे को क्या लगता है यार, अकाउंट्स तो बढ़िया है यार, ये फॉर्मेट मस्त दिमाग में छाप लिया, भारत माता की छापो, क्लियर है ना? अकाउंट्स में साला इजी हो रहा है, कॉस्टिंग में हर दिन नया टॉर्चर। द बेसिक प्रॉब्लम व्हाट स्टूडेंट फेसेस इन कॉस्टिंग, ही नोज द कॉन्सेप्ट बट हाउ टू प्रेजेंट इट इन द आंसर शीट्स, वो साला हेडेक हो जाता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम नए तरीके से प्रेजेंट हो रहा ना यार, समझा क्या? हर प्रॉब्लम नए तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग। रिश्ता भाई, हर प्रॉब्लम के साथ ऐसा दर्द है। तो इसीलिए क्या हो जाता है ना, कुछ चीजें आने के बावजूद स्टूडेंट क्या कर लेता है, अपना मन बना लेता है कि ये तो मुझसे ना हो पाएगा, उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये डिफिकल्ट है, और प्रॉब्लम फिर वो डिफिकल्टी का नहीं है, वो पहले ही मन बना के आ जाता है। वो आप लोगों ने सबसे सुना होगा ना, कॉस्टिंग वो डिफिकल्ट है भाई, आपने अभी तक पढ़ा नहीं, बट आधे बच्चों ने मन बना लिया ये सब्जेक्ट में बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा। बैंड तो वो दूर की बात है, मन बना लिया पहले से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसको जो है ना अकाउंट्स के साथ उसका मिलन मत कर देना, उसको उसको अलग अलग रहिए, इसको और उसको आपस में ना मिलाइए, वो दोनों अलग अलग है, क्लियर है एकदम? अरे बोलो बच्चों, यस सर। तो ऐसा कुछ बात है। एंड फिर अगर ये आपको क्लियर हो गया और आपने एंड तक वो पेशेंस वो कंसिस्टेंसी दिखाई, मैं बता रहा हूं आपको, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्लियर एकदम बात? यस सर। तो ये सब बातें होने के बबाद पहला मॉड्यूल में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको 50 नंबर आपको दे देगा। फिर उसके बाद अगला मॉड्यूल 25 नंबर का 5 चैप्टर पढ़ने, एकदम बेबी चैप्टर से है। कैसे एकदम बेबी प्यारे, एकदम इतने प्यारे है कि आप बोलोगे सर है ना मैं पीएल में बस इन्हीं को रिवाइज करना चाहता हूं, अरे मोहब्बत हो जाएगी आपको इन चैप्टर से। इतने लॉलीपॉप, इतने बेसिक फालतू क्वेश्चन है ना उसके अंदर, आप बोलोगे यार ये तो बेस्ट है सर, सारे चैप्टर्स ऐसे क्यों नहीं है, प्यार हो जाएगा आपको पहली नजर में, बाय गॉड सही मैं बता रहा हूं। ये 5 चैप्टर, फिर उसके बाद आते हैं 3, प्यारे भी है बट थोड़े डरावने भी है, बराबर? मतलब इट इज लाइक यू नो अ पर्सन हु इज वेरी क्यूट बट हंग्री, नहीं समझे? मतलब वो है तो बहुत प्यारे बट अगर भूख लगी तो कैसे चिड़चिड़े होते, वैसे वाले 3 चैप्टर है, बहुत प्यारे एकदम बढ़िया से एकदम खूबसूरत है, बट वो ऐसा अगर क्लिक हो गया तो ऊपर चांद तक, नहीं तो फिर गया ऐसा, समझे क्या? तो ये बस और 3 चैप्टर, और कैसा मतलब आप समझो गहराई को समझो इसके, कि 3 चैप्टर्स आर गोइंग टू फेच यू ओनली हाउ मच, 25 मार्क्स, मतलब क्या लेवल के चैप्टर्स है ये, बहुत भारी है, बट मैंने कहा ना क्यूट बट हंग्री, ठीक है? तो ऐसा कुछ है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग वाकिफ हो गए होंगे सब्जेक्ट से और चैप्टर्स के बारे में, और आज आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे सीक्वेंस में चलेगा, क्या क्या होगा, तो आपको समझेगा कि हर्षद सर ने आज जो चैप्टर पढ़ाए और आप अगर कंपेयर करोगे इंडस्ट्री वाइड, मतलब सिर्फ पुणे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैन इंडिया बात कर रहा हूं मैं, तो मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बाकी सब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा, वो क्लास के आज के एंड में आपको समझ में आएगा वो क्यों, और आप भी बताना कि सर वो लॉजिकल है या नहीं है। ओके ओके,
बिफोर वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्टिंग दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, कुछ ग्राउंड रूल्स हम लोग सेट कर लेते हैं जिससे कि आप एक बहुत अच्छे पोजिशन पर रहेंगे और मैं भी, और हम दोनों मिलकर बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो ये है, आप सब ने सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पेजेस वाली जो बुक होगी ना कॉस्टिंग के लिए वो लेके आ जाना, 100-200 वहां तक अपने आप को सीमित मत रखना। जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेजेस की आपको बाजार में बुक मिले उसको उठा लो, या कस्टम मेड ले लो, कस्टम मेड भी मिलती है किसी को, अगर नीचे ऑर्डर दे दोगे ना 500 पेज का बुक चाहिए 1000 पेज का, तो वो शायद बना भी देंगे आपको। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं सही में, कम से कम आपकी अगर आप 200-250 पेजेस का बुक अगर लोगे ना तो 6-8 बुक्स अपन भरेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई एम गोइंग टू कवर इन क्लास इज वे टू मच। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा लिखापढ़ी होने वाला है। तो नंबर वन, ट्राई टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाला बुक। आज खरीद लिया क्या आपने? खरीद लिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड बुक के लोगे तो मेक श्योर, क्यों बोल रहा हूं मैं चाहता हूं कि जो एक चैप्टर है ना वो एक ही बुक में रहे। एटलीस्ट अगर तीन चैप्टर है तो तीन चैप्टर एक ही बुक में रहे सर, आधा इधर आधा उधर, फिर वो रेफरेंस पूरा वो ताल में लगाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो नंबर वन इज दैट थिंग। नंबर टू, आप लोगों के पास भले ही ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट आप लोगों के पास 3 से 4 कलर पेन्स होने बहुत जरूरी है। थ्योरी के लिए लेके आते ही होंगे बट आपने प्रैक्टिकल के लिए भी 3 कलर के पेन लेके आने हैं। देखो 3 कलर के पेन मतलब कैसा, वो बुक में मार्किंग करने के लिए। लेट अस से फर्स्ट आपके पास रेड कलर का पेन है, तो अपना कलर स्कीम क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो आपने उसको अभी मार्क कर देना है स्टार मार्क रेड कलर से, तो यू नो दैट दिस स्टार ऑफ रेड कलर इज डेंजर। तो वन डे बिफोर एग्जाम यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बाकी इस पे ध्यान दू या नहीं दू भाई ये रेड पे तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझा क्या बात को, बोलो ना कुछ। सो वो ऐसा है। फिर उसके बाद दूसरा कलर का जो ब्लैक या ब्लू कलर का होगा, जो आप लोग सॉल्व करेंगे ना अपन क्वेश्चंस, वो उसके लिए लगेगा, वो दैट इज सिंपल। एंड एक तीसरा कलर का, मान लो आप ग्रीन कलर का लेके आ रहे हो, तो ग्रीन कलर का जो पेन होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत बोलना कि अच्छा उससे इजी मार्क करेंगे क्या, ना ना ना। ग्रीन कलर का पेन जो होगा ना, जब हम लोग क्लास में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका वर्किंग सर हम लोग ने ऐसा किया है, यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कैलकुलेशन ऐसा किया है, उसका लॉजिक ये था, ये हमने सोचा था, इसको ऐसे करना था। तो आपने क्या करना है, ग्रीन कलर से वो जो पर्टिकुलर नंबर आया ना अपना, या उसको ऐसा क्यों कंसिडर किया ना अपन ने, वो आपने आपके हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन लिख के रखना है अलग कलर से, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन आंसर बट इट इज द एक्सप्लेनेशन टू दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। सिंपल से सिंपल एडजस्टमेंट रहे या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एडजस्टमेंट रहे, आपको अगर लगता है कि फ्यूचर में मैं इसको भूलने वाला हूं, ये ध्यान में नहीं रहेगा भाई मेरे, मैं ये सोच नहीं पाऊंगा बाबा, तो क्या करने का, आंसर में ही आपने क्या करना है, क्या करना है, उसको लिखना है। ये क्लियर है एकदम बात, ये ओवर द पीरियड आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद थर्ड कैलकुलेटर लगेगा सर, ये भी बोलने की बात है क्या, ठीक है, कैलकुलेटर लगेगा, स्टिक नोट्स लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद होमवर्क मैं कभी कभी देता हूं तो बहुत ज्यादा देता हूं, और लगातार 6-8 दिन तो होमवर्क दूंगा भी नहीं, एकदम एक्सट्रीम केस खेलता मैं, दिया तो भर भर के दिया, नहीं तो रहने दे यार छोड़ना, बच्चों को काय को टॉर्चर करने का, ऐसा मतलब एकदम जेमिनी ट्विन पर्सनैलिटीज, दिया तो एकदम बहुत सारा होमवर्क, नहीं तो कुछ भी नहीं, बट होमवर्क रेगुलरली करना। बट उतना ही अच्छा हूं कि अगर 6-8 क्वेश्चंस दिए ना तो 3 दिन बाद चेक करूंगा, नहीं समझे, 6 क्वेश्चंस दिए तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आज के आज करके आओ, उसको 3 दिन का समय दूंगा, 2-2 क्वेश्चन रोजाना करना, बट एक साथ दे दूंगा 6 क्वेश्चन करके आना है,
समझा गया? फिर उसके बाद अपन उसको क्लास में डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, बट होमवर्क करके आना। मैं जब आपके जैसा था ना, नादान बच्चा छोटू सा, ऐसे ही उधर जब बैठा था, मन ही मन बहुत गालियां देता था टीचर को, कसम से बता रहा हूँ, पढ़ाना नहीं होगा इसके लिए होमवर्क दे रहा साला, इसको ये आता नहीं होगा इसलिए दे रहा हूँ, आपने भी दिए होंगे। बट जब ये साइड में आते हैं ना, देन आई रियलाइज कि प्रैक्टिस होमवर्क से ही अच्छी होगी। क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, जब आप लोग सॉल्व करते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कॉपी कर लेते हो, फिर आपको स्ट्राइक होता है, अच्छा इसने ऐसे किया तो वैसा करता हूँ। बट जब होमवर्क करते हो ना, तो आप एकांत में, अकेले में, आप खुद का अपना दिमाग लगाते हो बराबर, और फिर आपको समझ में आता है कि सही मायने में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है एकदम? यस सर। बच्चे पूछते हैं, आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा आपके, फिर बाद में फिर एकदम फुल पावर पढ़ाई करना है, फिर सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। बच्चे पूछते हैं सर सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे करना है, क्योंकि आज डे वन है, फुल पावर जोश रहता है। फिर बच्चे पूछते हैं सर सेल्फ स्टडी कैसे क्या करने का, तो मैं हर बच्चे को जो मेरे को ऑफिस में भी मिले थे उन सबको मैंने एक ही चीज़ कही है हमेशा, सुबह 8:30 से लेकर शाम के 7:30 तक आप पढ़ रहे हो, दिस इज अ स्टडी ओनली। आफ्टर दैट 1 आवर और मैक्स 2 आवर्स आप आपका होमवर्क में डालोगे, होमवर्क नहीं रहेगा तो टैक्स या लॉ का कुछ टेक्स्ट आप रीड करोगे, दैट्स इट, उसके ऊपर पढ़ना भी नहीं। टाइम रहेगा, इच्छा होगी तो भी नहीं पढ़ना, ऐसा कोई टीचर मिलेगा नहीं बोलने वाला, बट मैं फैक्ट ये बता रहा हूँ, आई एम स्पिटिंग द फैक्ट्स ओवर हियर। तुम लोग इंसान हो, रोबोट नहीं हो, मशीन है क्या तुम लोग? नहीं। थोड़ा कुछ अपने लिए रिलैक्सेशन का टाइम देना, क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में फॉर्म में आके, जोश में आके फुल पढ़ोगे एकदम, फिर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वो एफिशिएंसी का ग्राफ नीचे गिर जाएगा, और वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे सही मायने में आपने एक्सेलरेट करना चाहिए था, आप नीचे आ गए। समझे क्या? जोश दिखाने का भी एक टाइम होता है। मैं अच्छे इरादे से बोल रहा था, तुम क्या इंटरप्रेट करते हो, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, ठीक है? तो आप समझो बात को, देर आर टाइम्स दैट यू नीड टू एक्सेलरेट, उस टाइम पे अगर आप ठंडे पड़ गए ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? चलो मुझे बोलना ही नहीं है कुछ भी अभी, ठीक है? ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट, कॉस्टिंग। ओके चलो, गॉड ब्लेस यू गाइस। अभी साथ में लिखेंगे, ठीक है? जो विजया बैच से कौन कौन है, इधर हाथ ऊपर करें। ओके, लॉट ऑफ किड्स, तो आप लोग सिर्फ वापस से एक बार प्रवचन को सुन लेना आज और कल में, ठीक है? रिवीजन हो जाएगा, वो बेसिक जो हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था ना, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम लोग आज वेडनेसडे है राइट, थर्सडे, फ्राइडे को विल स्टार्ट विथ व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल कॉस्टिंग वाला चैप्टर, ठीक है? आज बेसिक कवर करेंगे अपन, थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे। लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन, साथ में लिखो, साथ में। आपको पता ना कॉस्टिंग ग्रुप 2 में है, तो आज से ही इसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, ताकि जब ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आगे चल के भी आपको क्या रहेगा, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा आप लोगों को। सो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। चलो बच्चों, सबसे पहले आप समझिए ये कॉस्टिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। फर्स्ट, अभी एकदम है ना, काम की बात करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं, काय को पढ़ू मैं ये सब्जेक्ट, क्या फालतू गिरी है ये, 100 नंबर का सब्जेक्ट माथे पे डाल दिया, काय को पढ़ू मैं ये, क्या रीजन क्या है इसका, बताओ क्या लगता है आपको? खर्चे निकालना है, कोई भी प्रोडक्ट का खर्चा मेरे को लग रहा है उसको असर्टन करना है। आज मैं कॉस्टिंग का बैच ले रहा हूं आपका, मुझे खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या क्या खर्चा लग रहा है मुझे? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है, क्लासरूम का रेंट लग रहा है, स्टाफ सैलरी है, बुक्स का खर्चा है,
ये क्या करूं ये सब खर्चा निकाल के, क्या फायदा क्या है मेरा? हाँ क्या लेना है? हाँ हाँ भाई, तो पूरा बोलना ऐसे ओके। सो यहां पे हम लोग, एक तो नंबर वन, आप जैसे समझिए कि कॉस्टिंग की फीस कितनी है, कितने रुपीस? 17,500 प्लस जीएसटी या विदाउट जीएसटी? तो 17,500 जीएसटी तो मेरे को थोड़ी दिया आपने, वो तो भारत सरकार को दिया ना तुमने, जरिया मैं हूं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स मैम ने बताया होगा आज आपको पूजा में। तो 17,500 ये फीस है। मुझे एक बात बताइए, ये 17,500 इंटू कितने बच्चे? सीए स्टूडेंट का फेवरेट काम, या हर स्टूडेंट का, सीए स्टूडेंट छोड़ो, हर स्टूडेंट का फेवरेट काम कितने लग रहे हैं? ठीक है, 400 बच्चे हैं, सो कितना हो गया? लाइव स्ट्रीमिंग जीडीपीडी अभी तक काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, तू नजर मत लगा तू साले, ठीक है। हाँ कितने हो गए? कितने कितने? बाप रे, पक्का 70 लाख? वाओ यार, तो ये इतना तो सेल हो गया मेरा, इतने पैसे कमा लिए। क्या आपको लगता है पूरा प्रॉफिट है 70 लाख? अरे बोलो ना, ये जो फीस अपन ने जो यहां पे डिसाइड करी है 17,500, और ये जो टोटल कलेक्शन है 70 लाख का, इसके पीछे का कुछ साइंस है क्या? कुछ साइंस है क्या इसके पीछे? क्या यूं ही सर शायद 17,500 आपका लकी नंबर होएगा, 175000 तो लकी नंबर होगा आपका, तो इसलिए आपने ऐसा फीस डिसाइड करा होगा, क्या सीन क्या है इसके पीछे का क्या है? खर्चा है ना इसके पीछे, मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे ऐसे आके फाड़ फाड़ के 70 लाख गया देख, खर्चा है ना इसके पीछे। हाँ तो यहां पे कुछ खर्चा लगा, और वो खर्चा लगने के बाद इसके ऊपर अपन ने क्या जोड़ा? अपन ने प्रॉफिट जोड़ा, सही है कि नहीं? और ये जो फीस है, दिस इज नथिंग बट व्हाट आई से इज माय सेलिंग प्राइस। डू यू अग्री विद दिस? तो ये अगर मुझे सेलिंग प्राइस को अगर डिटरमाइन करना है, तो मुझे पहले बेसिक में क्या जानना बहुत जरूरी है? कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड? एंड मैं मैनेजमेंट है ना कंपनी का, तो मेरे को वो कॉस्ट को मैनेज भी तो करना चाहिए। तो फर्स्ट आई नीड टू डू व्हाट? आई नीड टू, ध्यान देना रे सब लोग, आई नीड टू असर्टेन दिस कॉस्ट। बच्चों, हे गाइस, हेलो, असर्टेन का मतलब समझते हो क्या? क्या उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? और ये कॉस्ट को असर्टेन करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कॉस्ट को और एक चीज क्या करना पड़ेगा? मैनेज भी करना पड़ेगा। इस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? मैनेज भी। समझते हो मैनेज मतलब क्या? समझाता हूं आराम से एक एक चीज। तो सबसे पहले असर्टेन मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप समझिए, आप मेरे एडवाइजर्स हो, और सुन जाओ बात को, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग है ना ऐसे एकेडमिक्स के हिसाब से मत पढ़ना। आप लोग ये समझना कि आपका खुद का धंधा ही है, या आपको कुछ काम करना है, इसके लिए आप पाए हो पढ़ने के लिए। अब फाउंडेशन जैसा नहीं रहा, अब आपको मिलेगी फुल इज्जत। समझ रहे हो बात को? तो जब हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये सारी बातें ऐसे सोचनी है कि यार ये मेरे धंधे में मेरे को लगाना है, आई एम गोइंग टू यूज दिस इन माई बिजनेस, एंड दैट इज वाई एम स्टडिंग। और ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, फाउंडेशन के बाद इंटर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, या डायरेक्ट एंट्री वाले भी बच्चे होंगे, तो आप समझना आपने ऐसे हिसाब से पढ़ना है कि आपका धंधा में काम में आने वाला है, इसके लिए आप पढ़ रहे हो। आप अगर लॉ पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी कंपनी बनाने वाला हूं, मैं आप कंपनी बनाने वाले हो अभी, तो ये लॉ क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? क्योंकि कल चल के मेरे बिजनेस में मेरे को ये लॉ काम में आएगा। आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, बट पता होना चाहिए कौन से पैसे पे कितना टैक्स भरना है और कैसे टैक्स भरना है, इसके लिए आप टैक्स पढ़ोगे। खर्चे लगेंगे आपको, खर्चे कैसे असर्टन करूं, खर्चों को कैसे मैनेज करूं, मेरा धंधा है ये,
इसके लिए पढ़ रहा हूं। हेलो, अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़े। तो जो भी आप पढ़ोगे ना भाई, किस हिसाब से पढ़ना है आपको? एज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर वेरी ओन बिजनेस। ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? एज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर बिजनेस, ऐसा पढ़ने का तब वो मजा आता है। अगर आप एकेडमिक्स के हिसाब से सोच के पढ़ोगे ना, वो बहुत ऐसा बर्डनसम लगेगा, ऐसा झपकी आएगी फिर, है ना? फिर बहुत ऊपर जाओगे, और इतना ऊपर जाओगे कि आपको नीचे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है ना? तो समझे क्या बात को? तो आपका बिजनेस है, आपको कोई प्रोडक्ट को बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट सोचो, आपकी मर्जी। तू सोच ले तूने क्रिकेट बैट बनाया, तू सोच ले तूने फुटबॉल बनाया, तू सोच ले तूने पानी का बोतल बनाया, कोई भी प्रोडक्ट आप इमेजिन करो, तू समझ ले तूने फोन बनाया, तो क्या होगा? तुझे उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। बोलो ना कुछ। तो तुझे वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? तुझे कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू असर्टेन व्हाट द कॉस्ट। सही है? तो खर्चे कौन से कैसे कैसे लगेंगे, इसको असर्टेन करना पड़ेगा ना अपने को। तो कौन सा खर्चा लगेगा मेरे को, कौन सा खर्चा लगेगा? मटेरियल का लगेगा, लेबर का लगेगा, इनडायरेक्ट खर्चे लगेंगे, बहुत खर्चा लगेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? आप आपका प्रॉफिट जोड़ोगे और सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट करोगे। बोलो हाँ या ना? ऐसा कोई भी रैंडम नंबर नहीं लगा सकते रे। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज्यादा तो डिमांड, प्राइस कम तो डिमांड। तो आपको करेक्ट प्राइस असर्टन करना बहुत जरूरी है कि नहीं? सही प्राइस, कॉम्पिटेटिव प्राइस असर्टन करना जरूरी है कि नहीं? उस चीज के लिए आपको सही खर्चे कितने हैं वो पता होना जरूरी है कि नहीं? इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। समझेगा बात को? तो मेरा सबसे पहला काम जो है वो क्या है मालूम है बच्चों? फर्स्ट वर्क इज आई नीड टू असर्टेन द कॉस्ट। समझा गया? एंड दिस असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉस्टिंग। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, एंड कॉस्टिंग मतलब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, खर्चे को असर्टन करना। बट ये सब्जेक्ट सिर्फ कॉस्टिंग है क्या? नहीं, उसमें क्या है? मैनेजमेंट भी है ना। तो मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आपको यहां पे दो बातें करनी पड़ेगी, एक है कॉस्ट कंट्रोल और एक है कॉस्ट रिडक्शन। ये आता है किसके अंदर? मैनेजमेंट वाला काम में। कॉस्ट कंट्रोल मतलब समझते हो क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल, अरे कंट्रोल करना मतलब मेंटेन करना उसको, खर्चे को बढ़ने देना ही नहीं। हेलो, कॉस्ट कंट्रोल मतलब ठीक है इतना खर्चा लग रहा ना, अब मैंने पता कर लिया कि मुझे इतना खर्चा लग रहा है। पता कर लिया क्या आपने? पता कर लिया ना। अब दूसरा काम क्या है मैनेजमेंट का? आपका धंधा है, आपने पता कर लिया कि मेरे को इतना इतना खर्चा लगता है। बोलो पता चल गया क्या आपको? अब दूसरा काम क्या करना है अपने को? मैनेज करना है। मैनेज में सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉस्ट। अब कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या करना है मेरे को बताओ? मैं कम से कम क्या करूंगा, जितना कॉस्ट मेरे को लग रहा ना वो खर्चा उतरेगा उतना रखेगा मैं भाई, मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा। मैं भाई जितना लग रहा कम से कम उतने तक सीमित रखेंगे हम लोग। समझा गया? आई विल नॉट लेट माई एक्सपेंसिस शूट अप। मैं ऐसे कुछ तौर तरीके अपनाऊंगा कि जिसके वजह से मैं क्या कर सकूं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकूं। सही है ना? अब कंट्रोल तो करूंगा ही करूंगा, दूसरा हमेशा एज ए बिजनेसमैन आपका एम क्या रहेगा? कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है ना मेरे को, खर्चे कम भी तो करने की कोशिश करूंगा भाई, क्योंकि खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और पैसा ही पैसा होगा। अरे बोलो भाई। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे? फिर देर इज कॉस्ट रिडक्शन। एंड कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या बोला साहब? कि यू ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इन्होंने सस्ते में बेचना चालू कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो वो भी नहीं चलेगा, नहीं तो धंधा नहीं होगा। तो कॉस्टिंग आपको बेसिकली क्या कहता है? अगर एज अ बिजनेस मैनेजर्स, इफ यू वॉन्ट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, यू शुड बी एबल टू नंबर वन
ascertain the cost. Number two, try to maintain that cost. And if at all possible, also try to reduce the cost without compromising the quality. Option D, all of the above. MCQs. Are samjha gaya baat ko? So what is the purpose of costing? Ascertainment of cost. Cost control. Cost reduction. तो ये सब क्या है? उसका purpose है मेरे बच्चों. क्या ये आपको बात clear हो गई एकदम? समझ में आया एकदम? तो अगर ये आपका business है, तो आप क्या ये तीन बातें aim करेंगे? तो इसको लर्न करने की जरूरत है. और तुम्हारे बात में यस बोल रही छोरी, इधर नो बोलना है, ये लर्न थोड़ी करना है, ये तो याद हो गया ना ऑटोमेटिकली. अलग से एफर्ट डाल के याद कर. क्लियर है एकदम? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट. अब एक बात करते हैं सिंपल सी, कि ये जो खर्चों की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो देर आर डियर फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पहला कॉस्ट जो है आप लोगों का बचपन का पढ़ा हुआ कॉस्ट, उसको बात कर लेते हैं पहले, वो है इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या है आप सबको पता है, एक्चुअल कॉस्ट प्लस द नॉर्मल रिटर्न ऑन द ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अरे फाउंडेशन में पढ़ा है आपने, बट सर मैं तो डायरेक्ट एंट्री वाला हूं. तो समझो दोस्तों, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? इकोनॉमिक कॉस्ट की. सो व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, पहले समझते हैं. इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब जो वास्तविक में आपको जो खर्चा लग रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस इसके ऊपर जो नॉर्मल रिटर्न है ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हम लोग ऐड करेंगे. समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्चुअल खर्चा जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ ऐसे खर्चे जो मैंने किए नहीं है, ऐसे खर्चे जो मैंने किए नहीं है बट करने पड़ सकते थे अगर ये फैक्टर्स मेरे नहीं होते तो. सर क्या बोल रहे हो? वापस एक बार बहुत अच्छा बोला आपने, बट सुनने में अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया. ध्यान से सुनना, ऐसे खर्चे जो मैंने किए, मैंने किए क्या बट करने पड़ सकते थे. क्यों करने पड़ सकते थे? अगर वो चीज आपकी नहीं होती तो, अगर वो चीज आपकी नहीं होती तो आपको खर्चा करना पड़ता, बट वो चीज आपकी है इसके लिए आप वो खर्चा नहीं कर रहे, उसको भी शामिल करेंगे. व्हाट नॉनसेंस. एग्जांपल लेते हैं, ये क्लासरूम अपन का खुद का है, ओन्ड क्लासरूम है, तो बताइए क्या मुझे इसका रेंट लगेगा क्या? बट अगर मेरा नहीं होता तो रेंट लगता क्या? तो वो नोशनल अमाउंट, वो नोशनल अमाउंट मैं उसको कंसीडर करेगा. क्यों? क्योंकि मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? डिसीजन मेकिंग के लिए. किसके लिए कर रहा हूं? तो इसीलिए कॉस्टिंग के अंदर जो हम लोग खर्चे जो कंसीडर करेंगे वो कौन से होंगे? हाँ, जिसमें हम लोग एक्चुअल खर्चा तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी लेंगे. वापस एक बार और मेरे को बताओ, मेरा एक्चुअल खर्चा यहां पे क्या क्या हो रहा है? लेट अस से बुक्स का हो रहा है. बोलो हाँ या ना. मुझे बताओ यहां पे क्लासरूम का रेंट का हो रहा है. बताओ मुझे बिजली का पैसा देना पड़ रहा है, बराबर के नहीं? उसके बाद इंटरनेट का खर्चा मेरे को देना पड़ रहा है, सही है एकदम? यस सर. अब यहां पे प्रोफेसर्स फी, मतलब मेरी फीस, मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए तो पैसा लूंगा ना, बट मैं अपने आप को पैसा दूंगा क्या? आप सोचो, अगर मैं किसी को काम पे रखता,
अभी मैं खुद काम कर रहा हूं कि नहीं, तो मैं अपने आप को पैसा दूंगा क्या? बट अगर मैं खुद काम नहीं करता तो किसी को काम पे रखता क्या? उसको पैसा देना पड़ता क्या? बट मैं किसी और को रखा गया तो वो मेरा खर्चा हुआ क्या? बट देना पड़ सकता था क्या अगर मैं किसी और को रखता तो? अरे तो वो भी जोड़ना है डिसीजन मेकिंग के लिए। अरे समझाया नहीं समझा? समझा गया। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं साहब? हम लोग ये सारे खर्चे को जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग ये मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए यूज कर रहे हैं। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द नेचर और एलिमेंट। किसके बारे में बात करेंगे साहब? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? नेचर और एलिमेंट। आर यू देयर विथ मी? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट? नेचर और एलिमेंट। तो कौन से टाइप की कॉस्ट होगी? एक है मटेरियल, उसके बाद है लेबर, और तीसरा है एक्सपेंसेस। अभी मेन बात चालू हो रही है, अभी तक जो बात कर रहे थे टाइम पास था, अभी मेन बात चालू हो रही है। नेचर या एलिमेंट के हिसाब से दोस्तों तीन टाइप के खर्चे अपने पास दिखते हैं, वो कौन से है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। बोलो और एक बार, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। बहुत बढ़िया। मटेरियल मतलब माल, अरे मतलब माल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अरे छिछोरा कैसा आदमी है, वैसे मैंने माल बोला तो वैसे देखो छी गंदे। सो मटेरियल मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? माल, माल, माल मतलब रॉ मटेरियल, मतलब जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो उसका खर्चा लगेगा। जैसे आज मैं आपको बुक्स दे रहा हूं तो बुक्स का खर्चा मेरे लिए क्या है? मटेरियल है ना? अरे बोलो ना साहब। यस सर। उसके बाद लेबर, ले बर बर। सो लेबर का खर्चा मतलब इंसान का खर्चा ना, एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन विथ एन इंटेंशन टू सिक्योर इनकम। बराबर है कि नहीं? आज जो भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम, जो भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, उस परिश्रम को क्या बोलेंगे? लेबर। उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। मतलब आपने अगर सिर्फ मटेरियल लाके रख दिया, क्या वो अपने आप बनेगा क्या कुछ प्रोडक्शन में? आपने ये प्लास्टिक लाके रख दिया, आपने ये पानी लाके रख दिया, ये कैप लाके रख दिया, क्या ये ऑटोमेटिकली पानी का बोतल बन जाएगा? ऐसे नहीं, नहीं बन जाएगा ना? नहीं नहीं, छोड़ो यार, खेलना ही नहीं मेरे को। बनेगा क्या ऑटोमेटिकली? बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब उसके ऊपर किसी इंसान ने काम करना चाहिए कि नहीं? बोलो रे। तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे अपन? लेबर। समझा गया? सो एक मटेरियल का खर्चा, बराबर है, दूसरा लेबर का खर्चा, अब तीसरा एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी कुछ खर्चा लगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं। रॉयल्टी समझते हो क्या होता? अगर मान लो ये जो ऐसा पानी का बोतल बनाने का किसी का, या मान लो ये ऑक्सी प्लस, ये किसी का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है किसी का, अपन ने यूज करा इसको कि भाई मेरे को पानी का बोतल बनाने दे, तेरे ब्रांड नेम के अंदर बेचता हूं, बराबर है कि नहीं? तो बोलेगा बेच, बिंदास बेच, बट मेरे को हर बोतल के पीछे दो रुपए का रॉयल्टी दे, तो क्योंकि तू मेरा नाम यूज कर रहा ना, तो आई विल टेक व्हाट? रॉयल्टी। तो आप मुझे बताओ, बिना रॉयल्टी के क्या मैं खर्चा ये प्रोडक्शन कर सकता हूं क्या? बट क्या ये रॉयल्टी मटेरियल का खर्चा है? नहीं। लेबर का खर्चा है? नहीं। तो ये क्या है? एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब ये मटेरियल है, लेबर है, क्या इसके लिए कुछ पावर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा क्या नहीं लगेगा? अरे भाइयों बहनों बोलो ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? मित्रों इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या ये मटेरियल में आता है? नहीं। क्या ये लेबर में आता है? नहीं। ये अदर देन मटेरियल लेबर है? नहीं।
तो ऐसे जो है ना मटेरियल लेबर के अलावा जो खर्चे है उसको अपन बोलते हैं क्या, एक्सपेंसेस। आर वी गुड? तो नेचर और एलिमेंट के हिसाब से तीन खर्चे कौन से हो गए, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। सही है एकदम। आपको एक बात बोलूं क्या, अपने बीच में ही रहना, किसी को बोलना मत। इन सब के दो दो बच्चे हैं। इन सब के दो दो बच्चे हैं। इन सब के सबके कितने बच्चे, दो दो बच्चे। प्यारे प्यारे एकदम। ये तीन है बे। और मजे की बात पता है क्या है, उन सबके नाम सेम ही है। तो इनमें दो टाइप के खर्चे आते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। एक है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कितना मजा आ रहा है सर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो इन सबके जो है ना दो दो बच्चे, क्या नाम है उन बच्चों का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस के दो दो बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात जमी क्या आप लोगों को, कुछ तो बोलना पड़ेगा आप सबको। सही है एकदम, आसान है एकदम। यस सर। अब दोस्तों जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे ना, ये हम लोग बात करेंगे अंडर चैप्टर नंबर टू। किधर बात करेंगे, चैप्टर नंबर टू। इंट्रोडक्शन के बाद आपको दिख रहा है ये मटेरियल वाला चैप्टर, तो यहां पे हम लोग मटेरियल चैप्टर में, यहां पे डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। मतलब इस चैप्टर में बकायदा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अभी सिलेबस इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, ध्यान से सुनना। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल मतलब मेन मटेरियल की, भाई जिसके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब समझते हो क्या होता है, ट्रेसेबल रे विच कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। समझा गया? अब जैसे यहां पे ये फर्नीचर, ये डायस दिख रहा है क्या आपको, गाइस नो लाइव स्ट्रीमिंग, ये डायस है मेरे सामने, सच्ची। हां, तो अब ये डायस बनाने के लिए मटेरियल लगा होगा ना, क्या लगा इसमें, लकड़ी ना, लकड़ी। क्या लगा, हां तो इसमें वुड, इसमें वुड लगा ना, क्या इसमें कितना वुड लगा, क्या ये आइडेंटिफाइबल है क्या, नो no? अरे इज इट ट्रेसेबल, हाउ मच वुड वॉज यूज इन दिस, पर कितना प्लाई लगा, क्या ये ट्रेसेबल है क्या, yes, तो इसका खर्चा क्या हुआ, yes। समझा गया? हम लोग इस चैप्टर में डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग क्या बात करने वाले, जरा गौर फरमाइएगा। हमने डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैसे असर्टन करना, वो इट इज लाइक आज आप लोग जोमैटो या स्विगी पे खाना ऑर्डर करते हो, वो प्रोडक्ट दिखता आपको 300 रुपए का पिज्जा, उसमें कूपन कोड लगा के 50 रुपीज ऑफ, डिलीवरी चार्जेस 20 रुपीज, सरचार्ज वो लगता ना कभी कभी, हाई डिमांड, हैंडलिंग चार्जेस या पैकिंग चार्जेस या कुछ ऐसा, तो ऐसे करते करते मतलब 300 रुपए का पिज्जा, 10% डिस्काउंट, बट फिर भी वो घर आते आते होता है 350 रुपए का, माँ कसम। 10% डिस्काउंट देने के बाद कम होना चाहिए ना। मम्मी को पूछा, मम्मी पूछती है आपसे कि बेटा कितने में आया पिज्जा, मम्मा वो 300 और 10% डिस्काउंट है कुछ तो 270 में आ जाएगा, घर आते आते कितने में आया हो, 350। तो आप मम्मी को बोलोगे क्या, वो मटेरियल आया कितने में, 350 या 270 या 300? एग्जैक्टली।
तो हम लोग इस चैप्टर में वही सीखेंगे कि हम लोग मटेरियल को परचेस करते हैं, बट वो मटेरियल अपने दर तक आने तक, समझ रहे, क्या क्या खर्चा हमको लगा, क्या क्या हमें डिस्काउंट मिले, वो एड लेस करके कितने में आया, वो हम लोग सीखेंगे, मटेरियल कॉस्ट। बोलो ना। उसके बाद दूसरा, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है सिलेबस का। सेकंड, अब मटेरियल मंगवाना है, मंगवा रहे हैं ना मटेरियल, कब मंगवाऊं, कब मंगवाऊं मटेरियल? अब जैसे आपको सिंपल वही एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको भूख लग रही है, आप कब खाना ऑर्डर करते हो? एकदम कसके भूख लगी तब, या कुछ सोचते हो? आप ऐप खोलते हो, देखते हो डिलीवरी टाइम कितना दिखा रहा है, अच्छा 45 मिनट्स, क्या मेरे को शायद अभी से आधे घंटे बाद भूख लगेगी, तो मैं 15 मिनट बाद ऑर्डर करता हूँ, तो जब भूख लगेगी तब आ जाएगा, सही? सॉरी, ऐसा कुछ तो भी आप, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया मेरा। अगर आपको मान लो 45 मिनट्स आपके पास है अभी, आपको आधे घंटे बाद भूख लगने वाली है, बराबर, और आधे घंटे में डिलीवरी होने वाला है, तो आप क्या करोगे? 15 मिनट वेट करोगे, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करोगे। तो मतलब जैसे वो खाना आया, आपको भूख लग गई, आप खुश, सही टाइम पे आ गए भैया, सही है कि नहीं? तो कब ऑर्डर करना, ये भी एक आर्ट है। तो मटेरियल भी आपने कब मंगवाना, कि जब आपका स्टॉक खत्म होने आ रहा है, और जब खत्म हो ही गया उस टाइम पे मटेरियल आ जाएगा। तो ये रीऑर्डर लेवल। फिर कितना मंगवाना, ये भी तो एक आर्ट है। अगर आप थोड़ा सा मंगवाओगे तो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे, बहुत ज्यादा मंगवाओगे तो अननेसेसरी मटेरियल को स्टोरेज करने का कॉस्ट लगेगा, इंश्योरेंस करने का कॉस्ट लगेगा, बड़ा गोडाउन लगेगा, तो रेंट ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसा वैसा कैसा भी थोड़ी मंगवा सकते हो, कितना भी थोड़ी मंगवा सकते हो, तो उसके पीछे सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे बात को? फिर मैक्सिमम कितना रखे, मिनिमम कितना रखे, तो ये सब जो बात है ना बच्चा, ये किधर सीखता है तू? मटेरियल कॉस्ट में, समझा गया? उसके बाद चैप्टर नंबर 3, आप लोग बात करते हो अबाउट व्हाट? डायरेक्ट लेबर। किसकी बात करी आपने? डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनको पैसा दिया ना, उनका बेसिक, डीए, बोनस, फिर उसका क्या बोलते हैं, ओवर टाइम का पैसा, तो ये सब खर्चा जोड़ने का, वो किधर आएगा? डायरेक्ट लेबर। और उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ोगे, समझा गया बात को? ध्यान दे छोरी, कब से झूम रही तू, कॉफी मंगाओ तेरे लिए, सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी आज, कोई बात नहीं, होता ही उम्र में, ठीक है? सो ये जो है, आप समझिए, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ये हम लोग कहां सीखेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है आपको? बोलो ना कुछ, दिखेगा, आया। तो यहां पे आप समझिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे इनडायरेक्ट बच्चे मिला के एक बच्चा बनता है ओवरहेड्स, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, समझा गया बात को? तो इसीलिए हम लोग को चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट खर्चे समझते हो क्या होता है, जो डायरेक्टली हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे इस क्लासरूम का खर्चा कॉस्टिंग के लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हाँ, पक्का डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हाँ, इनडायरेक्ट है ना। क्यों इनडायरेक्ट है? हाँ, क्योंकि आप सबसे पहले लॉ के लेक्चर में भी यहीं बैठे थे क्या? टैक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए भी यहीं बैठोगे, तो ये इसका खर्चा तो सबको बटना चाहिए ना, कि सिर्फ कॉस्टिंग के लिए आना चाहिए, तो इसका खर्चा सबके माथे पे आएगा ना, अंकिता मैम के माथे पे आएगा, पूजा मैम के माथे पे आएगा, मेरे माथे पे आएगा, आनंद सर के माथे पे आएगा,
सबके माथे पे आएगा, मतलब सबके हेड पे आएगा, इसीलिए इनडायरेक्ट खर्चे को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। हाँ, ओवरहेड, सबके हेड पे देना है वो, उसका खर्चा सब में बटेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अकेले का खर्चा नहीं है ना, ये डायरेक्ट है क्या खर्चा? कॉस्टिंग के लिए कितना किराया लगा बोल? लाइट का खर्चा, चलो लाइट का खर्चा बात करते, चलो पावर, पावर लॉगिंग क्लास में लाइट चालू थी क्या? और टैक्स के अकाउंट्स में रहेगी लाइट चालू? तो मुझे बताओ लॉ के इसमें लाइट का कितना लगा खर्चा आपको, टैक्स में कितना लगा खर्चा? ऐसा बोल नहीं सकते सर, बट इसका खर्चा तो लगा है, बट कितना लगा ये डायरेक्टली ट्रेसेबल? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबके माथे पे ये खर्चा थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ओवरहेड्स। तो अब सवाल ये आता है कि सर आप ये रेंट का खर्चा कैसे बांटोगे, सर आप ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे बांटोगे? अरे वो कैसे बांटेंगे वो आपको इधर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा रे, समझा क्या? अब मेरा लेक्चर, अब अंकिता मैम का लेक्चर कितने घंटे का था? 2.25 घंटे का। टैक्स का लेक्चर 2.5 घंटे का। मेरा लेक्चर 2.5 घंटे का। आज नहीं पढ़ाऊंगा 2.5 घंटे, डोंट वरी आज नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा, धीरे 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 धीरे, वंस यू आर कंफर्टेबल इन द क्लासरूम, वंस यू आर यू नो एकदम थोड़ा हाँ ठीक है, क्लासरूम का कंफर्ट आ गया, फिर उसके बाद फिर आप ही बोलोगे यार सर पढ़ाना और पढ़ा नहीं सर, धीरे धीरे थोड़ा कंफर्ट आने दो उसको। तो मैं अगर मान लो 2.5 घंटा पढ़ा रहा हूं, आनंद सर 2.5 घंटा पढ़ा रहे, तो उस प्रोपोर्शन में बांटेंगे कि नहीं खर्चा? इलेक्ट्रिसिटी का उस प्रोपोर्शन में बांटेंगे कि नहीं खर्चा? मेरे क्लास में अगर 2 स्टाफ है, आनंद सर के क्लास में अगर 5 स्टाफ है, अंकिता मैम के क्लास में 10 स्टाफ है, तो उसके हिसाब से खर्चा बांटेंगे कि नहीं? तो वो बेसिस कौन से बेसिस पे बांटने का, वी स्टडी इन व्हाट? ओवरहेड चैप्टर। एंड सेम उसी का रिफाइंड वर्जन जो होगा किसके अंदर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो आया ना। सो आपको ये समझ में आया कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 उसमें हम लोग करने क्या वाले, वो समझा गया आपको? कुछ तो बोलो ना। बोलो सच्ची सच्ची। वेरी गुड। अब ये सारे खर्चे को एक फॉर्मेट में टोटल करना पड़ेगा ना। अब मैं ये अगर मोबाइल फोन बनाया मैंने, तो इसको मटेरियल का खर्चा लगा क्या? टच स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं? इसके ऊपर जो इंजीनियर्स जो काम करे बराबर, वो क्या हुआ? लेबर का खर्चा लगा। प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर जो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो लगा। तब जाके ये आपके सामने एक फोन बना, बोलो हाया ना। बट इसका खर्चा निकालने के लिए सारे खर्चे एक साथ लिख के रखने पड़ेंगे कि नहीं? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो वो स्टेटमेंट कहां बनेगा? चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट में। अखे इंडिया में सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ाते हैं वो है कॉस्ट शीट। पता है क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेट है। बच्चे को लगना चाहिए ना कॉस्टिंग बहुत इजी है, तो क्या करना चाहिए? फॉर्मेट पहले रटा देंगे, आपको बोलेंगे रट लो, फिर बिना समझ के कि मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, आपसे मैकेनिकल काम कराया जाएगा। ये उठा इधर डाल बेटा, ये उठा इधर डाल बेटा, आप भी यस सर वेरी इजी, यस मैम वेरी इजी, मैकेनिकल काम करोगे एंड देन यू आर लाइक कॉस्टिंग इज इजी। बट हर्षद सर स्टार्ट्स विद व्हाट? मटेरियल। साला हैंग हो रहा ना दिमाग। हर्षद सर टीचिंग वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन क्लास। भाई आप समझो, जब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये आपका लॉजिकली आपको थर हो जाता ना, उसका समझ में आता ना कि मटेरियल का खर्चा कैसे निकालने का, लेबर का खर्चा कैसे निकालने का, ओवरहेड का खर्चा कैसे निकालने का, तब जाके आपको कॉस्ट शीट के अंदर जो खर्चे डालने हैं ना, आपको पता है हर एक उस खर्चे का मतलब क्या है और कौन सा खर्चा किधर जाएगा, नेचुरली आपको आ जाएगा, आप वो मैकेनिकल काम नहीं करोगे। दैट इज नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2 पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। आज जोश कैसा है? थोड़ा ऊपर है ना एकदम, आज एक्साइटेड हो आप पढ़ने के लिए। तो जब आज देखो, मानता हूं आज सिर्फ मैं बोल रहा हूं,
अच्छी मैं ही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा ज्यादा सुन रहे हैं आज आपको, मैं बोला ना जल्दी छोड़ दूंगा आपको, उसका टेंशन मत लो, बट आज मेरे को इतना थोड़ा बोलना है। हाँ 4 बजे छोड़ दूंगा भाई, डोंट वरी, छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए ना तो कल थोड़ा भारी वाला काम करेंगे। आज थोड़ा डे वन आपका भी है तो थोड़ा होता है ना ऐसा, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। सो इनिशियली व्हाट हैपेंस इज, आपका जो क्यूरियोसिटी है ना वो बहुत ऊपर रहता है, तो यू आर लाइक की ब्रिंग इट ऑन। डिफिकल्ट चैप्टर ना, आने दे, डरता नहीं मैं, कैसा भी रहने आने दे, डरता नहीं। स्टार्टिंग में क्या है, जोश ज्यादा है, तो वो फॉर्म फॉर्म में अपने जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है अपन क्या कर लेंगे, उसको निपटा देंगे। एंड जैसे आपको एकदम सैचुरेशन लेवल आ गया, भाई बस कर यार, अभी अपनी नफरत हो रही है, अभी आ बता रहा, वैसे डायरेक्ट ले कॉस्ट शीट, फिर लेके ओ इट्स सो इजी। मैं इसलिए कहा ना स्टार्टिंग में ओवरहेड तक टिक के रहना है, समझा गया? तो ये ऐसा ओवरहेड, और फिर कॉस्ट शीट के बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टेटमेंट बना लिया, अब उसके क्या करने, अकाउंट्स के जैसा जर्नल एंट्री पास करने का है, समझा गया? क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री पास करने का है, ये खर्चा अकाउंट डेबिट टू वो खर्चा, कैश और बैंक या ये ऐसा वो अपन को क्या करना है, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। एकदम इजी, जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ाऊंगा मैं, जैसा बचपन में आप काम करते थे ना जर्नल एंट्रीज पास करने का, 11th में आप फाउंडेशन में करते थे, वैसा इधर भी क्वेश्चन आता 10-10 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, ठीक है? तो ये ऐसे आपके 7 चैप्टर बन गए, और ये जब थर हो गया, यू सिक्योर हाउ मेनी मार्क्स, 50 मार्क्स। फिर सेकेंड मॉड्यूल मैंने कहा ना एकदम लवी डवी, एकदम भारी, एक प्रोडक्ट की कीमत निकालने का क्या है कॉस्ट, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये चैप्टर बताएगा यूनिट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट का खर्चा निकालना है, अगर वो बैच में चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा ये पानी की बोतल या मेडिसिन, उसमें बैच नंबर लिखा हुआ होता है, एक बार प्रोडक्शन चालू कर दिया तो 100-200 आइटम निकाल के मानेगा, तो उस बैच को बनाने का कितना खर्चा वो आएगा। फिर उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, किसकी बात करी सर ने, जॉब कॉस्टिंग। अब मान के चलो मैंने ज्वेलर को बोला मेरे को ये कड़ा बना के दे, मेरे को ये गोल्ड कड़ा बना के दे, तो ये जो उसको मैंने काम दिया ये क्या हुआ, जॉब, जो उसको जॉब दिया ना मैंने, तो वो बोलेगा सर इसके लिए इतना सोना लगा, इतना मेकिंग चार्जेस लगा, मतलब मटेरियल लगा, कारीगर का चार्ज मतलब लेबर लगा, उसको एक्सपेंसेस लगे होंगे और कुछ, वो हीटिंग और वो उसका हैमर का खर्चा, वो सब सब लगा होगा ना। फिर वो बोलेगा सर ये कड़ा का कॉस्ट गोल्ड प्लस मेकिंग चार्जेस इज दिस मच, दिस इज द कॉस्ट फॉर द जॉब। समझा गया? आर्किटेक्ट को बुलाया और आर्किटेक्ट को बोला मेरा घर का इंटीरियर करके दे, तो वो उसके लिए क्या हुआ, जॉब। तो उसके लिए कितना खर्चा आया उसको कैलकुलेट करना इज नथिंग बट व्हाट, जॉब कॉस्टिंग। ऐसा प्यारा प्यारा चैप्टर है, और ये सब जो चैप्टर्स आप बनाओगे ना, इसमें बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉस्ट शीट ही बनाना है, सिर्फ यूनिट के लिए, बैच के लिए, जॉब के लिए बनाना, तो क्या है, कॉस्ट शीट ही। इसीलिए फर्स्ट मॉड्यूल पक्का हो गया तो सेकंड एकदम इजी आपके लिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया कर रहे हो। उसके बाद तीसरा, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब कैसा, अब मान लो अपन जो है ना फ्रूट जूस बनाते हैं, क्या बनाते, तो फ्रूट जूस बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में परचेसिंग, प्रोसेस 2 में सॉर्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, प्रोसेस 3 में पैकिंग एंड ब्रांडिंग एंड डिस्पैचिंग। ऐसा क्या हुआ, 3 प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस 1 का खर्चा प्लस प्रोसेस 2 का खर्चा इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझा गया बात को? तो मैंने पहले इसमें क्या किया, परचेस किया, बोलो किया, उसके बाद उसको सॉर्ट किया, बोलो किया, फिर उसके बाद इधर से अपन ने जूस एक्सट्रैक्ट किया, बोलो किया, इसके अंदर अपन ने प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे, बोलो किया, उसके बाद अपन ने इधर इसको बॉटलिंग किया, इसको पैकिंग किया और इसको ब्रांडिंग किया, बराबर है? और अल्टीमेटली इन सबको मिला के मेरा कॉस्ट हो गया, बराबर है? अब क्या हुआ, आनंद सर आए, आनंद सर का भी बिजनेस है फ्रूट जूस बनाने का, मैं भी फ्रूट जूस बना रहा है, आनंद भाई भी क्या कर रहे हैं, फ्रूट जूस बना रहे। अब क्या हुआ, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है ना फ्रूट जूस बनाने की, एक नंबर है, एकदम गजब की है भाई, बराबर है? तो आनंद सर आके बोलते हैं, भाई सुनना अर्षद, मैंने बोला, बोलो कॉम्पिटिटर है मेरे, बोला बोलो क्या हुआ,
बोले यार तुम्हारा जो फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करने का जो टेक्नोलॉजी है ना एक नंबर है, आप क्या मेरे कंपनी के लिए भी फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करके दोगे क्या? बोला देंगे ना सर, अपने को तो धंधा करना है ना, कॉम्पिटिटर को बेचे या अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे, धंधा का पैसा तो अपने को आ रहा ना भाई, सही है ना। तो अब मेरे को आनंद सर को मैंने बोल दिया कि हाँ आपके लिए भी मैं जूस एक्सट्रैक्ट करके देगा, ये जूस एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा, तुम तुम्हारे फैसिलिटी में पैकिंग ब्रांडिंग जो करना है करो, मैं तुमको जूस चाहिए तुमको जूस दे देगा, समझा गया। बट अब मुझे आनंद सर को कीमत तो कोट करनी पड़ेगी ना उसकी, बोलो आया ना। तो मुझे फर्स्ट टू प्रोसेस के लिए मुझे कितना खर्चा लगता है क्या ये मुझे पता होना चाहिए क्या? अरे बोलो ना। उसके लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो रिश्ता वही है, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 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 प्रोसेस के लिए खर्चा निकालना पड़ेगा। अगर आनंद सर आके बोलते हैं मेरे को जूस एक्सट्रैक्ट निकाल के दे, प्रिजर्वेटिव डाल के दे, टैंकर में भर के मेरे यहां पे मैं बाकी का पैकिंग ब्रांडिंग सब मैं करता हूं, तो मेरे को वहां तक का कितना खर्चा लगता है मुझे पता होना चाहिए ना। अरे समझेगा बात को। तो उसके लिए यूज होता है कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर उसके बाद आता है जेपीबीपी। कौन? जेपी एंड बीपी, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है ना, हम लोग एक प्रोडक्ट बनाने जाते हैं बट उसमें से बनते हैं दो प्रोडक्ट। तो बनाने गए थे कितने प्रोडक्ट, बने कितने, और दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। ट्विंस कौने है, क्या है, क्या बात है, करे मैं सोचता था हमेशा लड़के ही छिछोरे हैं, देश बदल रहा है ऐसा नहीं है, बट ठीक है मैं बोलू भी कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर भी आप एकदम ईमानदारी से जहां तक, जहां मैं पहुंचना चाहता हूं आप भी वहीं पहुंचे, आप रास्ते में यहां वहां ना भटके। हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे थे, दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, तो अब दोनों का खर्चा निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे, मैं अब कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, तो उसको कैसे हम लोग कॉस्ट असर्टन करें, उसको अपन क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट। मैं अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं, ये ट्विंस विंस वाला नहीं, मैं अच्छा बोलता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते 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 उसमें से आप पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है, और सबकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेम है, बोलो हाँ या ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट। बट अब बाय प्रोडक्ट मतलब एक बनाने गए थे, एक ही बना, उसके साथ साथ दूसरा भी बना, बट उसकी इज्जत नहीं है। जैसे हम लोग शुगर केन से हम लोग शुगर बना रहे थे, और उसके साथ साथ मोलासिस एंड बगैसे से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं, बट उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, समझा गया बात को। तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर, बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट का खर्चा कैसे, क्योंकि दोनों का पेट्रोल और डीजल का खर्चा तो निकालना पड़ेगा, बना एक प्रोडक्ट से बट है तो दो प्रोडक्ट बन गए ना, रॉ मटेरियल एक था बट प्रोडक्ट दो, तो खर्चा निकालना पड़ेगा इसका। सेम वे में बाय प्रोडक्ट का भी तो खर्चा निकालना पड़ेगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी स्टडी इन द चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास है सर्विस कॉस्टिंग। जैसे अभी हम लोग सर्विस दे रहे हैं, हॉस्पिटल की सर्विस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सर्विस है, स्कूल कॉलेजेस है, अरे बोलो भाई, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, अरे बोलो, जो आपको कैब सर्विसेज देते हैं, तो उनको अपना धंधा चलाने के लिए कितना खर्चा आता है वो सर्विस रेंडर करने के लिए, वो आप कहां सीखते हो? तो ऐसा जो है ना, ये जो है ये मॉड्यूल टू ऐसा इजी है एकदम, वो सेक्टर स्पेसिफिक है, समझा गया। एक यूनिट का, एक बैच का, एक जॉब का, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसेस का, ये सब क्या है, सेक्टर के हिसाब से। ये सब चैप्टर्स आपको कब आएंगे अच्छे से, जब आपको ये चैप्टर समझेंगे, समझा गया। तो अपन फ्लो में, सीक्वेंस में ऐसा पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल थ्री, तीन चैप्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब हम लोग कुछ काम करने के पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना इतना खर्चा होगा, बोलो आया ना, इतने इतने यूनिट्स बनेंगे,
हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल में काम करते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स हम लोग क्या करते हैं अपने सामने आ जाते हैं। बोले आया ना? फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दो बातें होंगी, एक तो हमने स्टैंडर्ड से कहीं अच्छा काम किया या तो कहीं घटिया काम किया, मतलब फेवरेबल होगा या तो एडवर्स होगा। अगर फेवरेबल है तो ओके, बट एडवर्स है तो विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस कि ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड विल टेक मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। समझे बात को? बोलो हाँ या ना? यस सर। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब मार्जिन, मार्जिन आप सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो वो एक्स्ट्रा बनाए या ना बनाए, डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है वो। एंड लास्ट में बजट, बजट हम सब बनाते हैं। अरे बोलो ना। तो ये ऐसा आपका पूरा 100 नंबर का सिलेबस ऐसा बनता है। क्लियर है एकदम? तो इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है अपने को, ये तीन चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो और एक बार छोड़ो। ओके, क्या ये आपको समझ में आया हमने आज क्या बात करी? पक्का एकदम? सो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, है ना? ध्यान से सुनना, मेरी क्लास में मैं कुछ अभी 2 मिनट बोलना चाहता हूं। अब मैंने बोल दिया ना अभी टाटा बाय बाय, अब बस कल के लिए 2 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूं। एंड एवरी लेक्चर एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर यू टू कम टुमारो। एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, या कल हमने क्या डिस्कस करना है, या आज क्या थॉट प्रोसेस से हमने क्लास के बाहर जाना है। सो ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग थोड़े एक्साइटेड रहते हैं कि दैट वी कम टुमारो इन द क्लास। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग जब अभी कल मिलेंगे, और जब भी आप मेरी क्लास में बैठे हो, तो पॉइंट नंबर 1 आप ये समझना कि द सब्जेक्ट इज वेरी न्यू फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी वक्त अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, मैंने बोला आपको नहीं समझा, तो बिंदास होके बेझिझक आपने क्या करना है, आपने क्लास में हाथ ऊपर करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेनी है। बिल्कुल भी ऐसे टू माइंड, भाई ने बहुत मेहनत से बोला यार, कितना बोला उसने, मैं वापस कैसे पूछूं उसको यार, है ना, बेचारा थक गया होगा रे, ऐसा नहीं। माई जॉब इज टू टीच, योर जॉब इज टू आस्क क्वेरी इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग। ठीक है ना? सिली है या नहीं है आप मत डिसाइड करो, लेट मी गाइड यू ऑन दैट। समझा गया? तो जब भी कल आप क्लास में आओगे और कल कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, तो इतना बॉडी के अंदर जरूर डाल लेना कि हर्षद सर की क्लास में हम लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। नंबर 2, कल बुक्स, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ लेके आना, पेन वगैरह सब कुछ लेके आना। ठीक है, नंबर 3, आप लोग एकदम रिलैक्स्ड रहना, स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत आना। मेरे को क्लास में नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरा सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा, ये मैं डे 1 पे आज आपको बोल रहा हूं। सबसे बेहतर तरीके से होगा ये मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 100% होमवर्क क्लास में डिस्कस करेंगे, ये मैं बोल रहा हूं। सब कुछ अच्छे से होगा, बट ये मेरे को अचीव करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। और आपका उसमें क्या साथ चाहिए मेरे को? क्लास में एकदम रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से बैठने का, दिमाग में दूसरे कुछ ख्याली पुलाव नहीं आने चाहिए। डे 1 से ये नहीं सोचने का कि क्या मैं ये सब्जेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं समझ में आया, मेरे को मिलने का, बात करने की, क्लास में डाउट पूछने के, बिल्कुल भी घबराने का नहीं। सो एकदम स्माइलिंग फेस रख के कल से इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? आज थोड़ा बहुत ब्रीफ समझ में आएगा कि कॉस्टिंग का ओवरऑल सिलेबस कैसा है करके, ठीक है ना? अब उसको कल आराम से प्यार मोहब्बत से आपको ऐसा ठूसते रहेंगे, ठीक है?
यस, योर लेक्चर ऑफ अकाउंट्स विल बी बाय 4:30 इश स्टार्ट हो जाएगा, 5 का है, बट मैं पूछता हूँ आनंद सर को इफ यू कैन स्टार्ट अर्ली सो यू कैन गेट फ्री अर्ली टूडे मे बी. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे, टाटा.